हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल लर्निंग हॉल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का 4 नंबर क्वेश्चन पर विचार करेंगे, जो लास्ट क्वेश्चन है। ये 4 में जो है सत्य असत्य के बारे में जानना है। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है sin a + b = sin a + sin b, इतना के बराबर है या नहीं है, यह सत्य है क्या कि असत्य है। इस बात को देखना है कि sin a + b = sin a + sin b इतना के ही बराबर है, यह इतना के बराबर है। यदि बराबर होगा तो सत्य है, नहीं बराबर है तो असत्य है। आइए हम लोग मान लेते हैं, मान लिया कि a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। मान लिया a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री, और ये दोनों 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान को इस a और b के जगह पर रखकर दोनों में निकालेंगे, साइन a और साइन b में भी निकालेंगे, sin a + b में भी निकालेंगे। यदि दोनों बराबर आ जाता है तो ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है सत्य होगा, और यदि बराबर नहीं आता है तो यह असत्य होगा। आइए फर्स्ट नंबर में रखते हैं। ये जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में sin a + b, यहाँ पर sin a + b बराबर, साइन क्या साइन है, ए बराबर मांगने हैं 30 डिग्री तो 30 डिग्री, बी बराबर 60 डिग्री तो 60 डिग्री, 60 30 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, इसलिए इसका मान जो आ गया 1 आ गया। अब चलते हैं इस पर साइन ए और साइन बी पर, तो ए के जगह पर 30 डिग्री और बी के जगह पर 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री ये दोनों हो गया, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, प्लस है तो प्लस, और साइन 60 का मान √3/2 होता है। दोनों का जब योगफल हम निकालेंगे तो √3/2 आएगा, जो 1 के बराबर नहीं है। देखिए इतना यह है और इतना यह है, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए 4 का 1 नंबर क्वेश्चन असत्य होगा। आइए 4 का 2 नंबर क्वेश्चन पर विचार करते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है, होता है या नहीं होता है। देखिए तो साइन थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ थीटा के मानों में साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है या नहीं होता है। यदि वृद्धि होता है तो यह क्वेश्चन सत्य है, नहीं होता है तो यह असत्य है। देखिए साइन का मान लिखकर, यह साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, पहले 0 हुआ, साइन 30 का मान 1/2 हुआ जो 0 से बड़ा है, यानी थीटा का मान 0 डिग्री था तो इसका वैल्यू 0 था, थीटा का मान 30 डिग्री हो गया यानी थीटा का मान में वृद्धि हो गया तो इसके वैल्यू में भी वृद्धि हो गया, फिर 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते जाकर लास्ट में साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है, यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, इसलिए यह भी सत्य है। आइए 4 के 3 नंबर पर आते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, फिर वैल्यू लिख कर देखेंगे। कॉस 30 का मान √3/2 होता है, थीटा का मान 30 डिग्री है तो √3/2 है, थीटा का मान 45 डिग्री है तो 1/√3 है, और थीटा का मान 60 डिग्री है तो 1/2 है, यानी यह घट रहा है। इसका जो कॉस थीटा का मान है, थीटा में वृद्धि होने पर वैल्यू में घटाव हो रहा है, और घटते घटते लास्ट में जाकर 90 डिग्री का मान हो जाता है 0, यानी सबसे कम, इसलिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है, इसलिए यह असत्य होगा। आइए 4 नंबर पर। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, नहीं होता है। साइन थीटा के सभी मान में कॉस थीटा के बराबर होता है, नहीं होता है। केवल एक ऐसा मान है साइन 30 डिग्री जिसका वैल्यू 1/2 होता है, और कॉस में केवल मान है 60 डिग्री का जो 1/2 होता है, यानी साइन 30 कॉस 60 के बराबर होता है, केवल एक सा वैल्यू, बाकी कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है साइन कॉस का जो आपस में बराबर होता है, इसलिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है, इसलिए यह असत्य है। ए बराबर 0 डिग्री पर कोटे परिभाषित नहीं है, तो टेन 0 बराबर होगा 0, कोट बराबर 1/tan 0, और सीधे होगा आपको कोट बराबर 1/0, जो 1/0 है अपरिभाषित है यानी इन्फिनिटिव है, इसलिए ये जो है 5 नंबर क्वेश्चन सत्य होगा, ये नहीं है यानी है, इसमें ये असत्य होगा, क्या होगा
असत्य होगा। यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।